बालों को बहुत ही तेजी से लंबा और घना कर देगा ये तरीका। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका रोगानुसार में एक और इम्पोर्टेंट वीडियो के साथ है। जी हाँ दोस्तों, खूबसूरत बाल हर किसी के व्यक्तित्व में चार चांद लगा देते हैं, लेकिन कुछ लोगों के बाल बढ़ते ही नहीं या फिर धीरे धीरे बढ़ते हैं। छोटे बालों को लंबा करने के लिए हम बहुत से उपाय करते हैं। कभी बालों में तेल लगाकर चोटी गूंथते हैं, तो कभी पार्लर के महंगे महंगे पैकेज पर जेब खाली करते हैं, लेकिन इसके बाद भी बालों के लंबा होने की कोई गारंटी नहीं होती। महिलाओं में बालों को लंबा करने का बहुत चलन है। भारत ही नहीं, पूरे विश्व भर की महिलाएं बाल बढ़ाने के उपाय आजमाती रहती हैं। कुछ लड़कियां बाल बढ़ाने के घरेलू उपाय आजमाती हैं, लेकिन क्या आपको तेजी से बाल बढ़ाने का तरीका पता है? कुछ महिलाएं कहती हैं कि उनके पास बाल बढ़ाने की अशोक विधि है, लेकिन क्या आपने कभी सोचा वो कौन सा तरीका है? जी हाँ दोस्तों, इसलिए आज हम आपको इस वीडियो में कुछ ऐसे घरेलू उपाय बता रहे हैं जिसे अपनाकर आप अपने बालों को तेजी से लंबा और घना कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए आपको वीडियो पूरी देखनी होगी, क्योंकि हम नहीं चाहते कि आपसे कोई भी खास जानकारी छूटे और आपके लंबे बालों का सपना अधूरा रह जाए। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों, हमारे वीडियो को लाइक करना ना भूलें, इससे हमारा मोटिवेशन अप होता है। साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबाने के साथ ही ऑल नोटिफिकेशन को जरूर ऑन कर लें, ताकि जब भी मैं नए वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको आपके मोबाइल पर मिल जाए। इसके लिए ऑल नोटिफिकेशन को जरूर सेलेक्ट करें। नंबर एक, चीनी। जी दोस्तों, हेयर एक्सपर्ट्स मानते हैं कि बालों को सॉफ्ट और चमकदार बनाने के लिए शैम्पू में शुगर अर्थात चीनी मिलाना चाहिए। जब आप शैम्पू में चीनी मिलाकर बालों में लगाते हैं तो सर की सफाई ठीक से होती है। डेली शैम्पू में शुगर मिलाने से बालों के पास की मृत त्वचा आसानी से हट जाती है। इस तरह से शैम्पू करने से बालों में डैंड्रफ की समस्या नहीं होती। नहाने से पहले एक चम्मच चीनी को शैम्पू में मिलाकर लगाना चाहिए। नंबर दो, प्याज। जी हाँ दोस्तों, प्याज में एंटी बैक्टीरियल, एंटी फंगल और एंटी ऑक्सीडेंट गुण होते हैं जो हमारे बालों के विकास को बढ़ाते हैं। इसमें मौजूद सल्फर तत्व बालों को घना और चमकदार बनाता है, इससे उनकी लंबाई भी तेजी से बढ़ती है। प्याज का रस खोपड़ी के रक्त परिसंचरण को बढ़ावा देता है और खोपड़ी को मजबूत बनाता है। इससे आपके बाल स्वस्थ होते हैं और उनकी वृद्धि भी तेजी से होती है। इसके लिए सप्ताह में एक बार प्याज को काट कर उसके रस को निकाल लें और इसे नारियल के तेल में डालकर अपने बालों पर लगाएं और मालिश करें। इसके बाद अपने बालों को अच्छे से धो लें। नंबर तीन, गुलाब जल। जी हाँ दोस्तों, स्किन केयर में गुलाब जल का सबसे ज्यादा उपयोग किया जाता है। हेयर एक्सपर्ट्स मानते हैं कि बालों का रूखापन दूर करने के लिए गुलाब जल का उपयोग सबसे अच्छा प्राकृतिक उपाय है। शैम्पू में गुलाब जल मिलाना बहुत आसान है। बाल धोने से पहले शैम्पू और गुलाब जल को एक साथ मिलाकर पेस्ट बनाकर लगाना चाहिए। हेयर फॉल रोकने के साथ गुलाब जल बालों को लंबा करने में मदद करता है। जो लोग बार बार डैंड्रफ से परेशान रहते हैं, उनके लिए भी गुलाब जल फायदेमंद होता है। नंबर चार, आलू। जी हाँ दोस्तों, आपकी रसोई में सब्जियों के राजा आलू आपके बालों की ग्रोथ को बढ़ाने में मदद कर सकता है। दरअसल आलू में आवश्यक पोषक तत्व होते हैं जो बालों के झड़ने और विभाजन मतलब झड़ने की समस्या को और रूसी की समस्या को दूर करते हैं। इसके लिए आप एक मध्यम आकार का आलू लें और इसे अच्छे से पानी से साफ कर लें, फिर आलू को कद्दूकस कर लें और आलू को पीसने के बाद एक पतले और मुलायम कपड़े छलने की मदद से उसके रस को निकाल लें। अब एक कटोरे में आलू का रस भरें। इस रस को रुई की मदद से बालों की जड़ों में और बालों में अच्छे से लगाएं। लगभग 20 मिनट के लिए बालों में रस लगा रहने दें, फिर अपने बालों को ठंडे पानी से धो लें। थोड़ी देर बाद अपने बालों को हर्बल शैम्पू से धो लें। आप इसे हफ्ते में एक बार या दो बार कर सकते हैं। नंबर पाँच, लेवेंडर ऑयल। जी हाँ दोस्तों, जिनके बाल रूखे और बेजान हो जाते हैं, उनके लिए लेवेंडर ऑयल बहुत ही फायदेमंद होता है। सर्दियों के मौसम में लेवेंडर ऑयल और शैम्पू में मिलाकर लगाने से बालों का बढ़ना तेज होता है। बालों को धोने से पहले शैम्पू में लेवेंडर ऑयल की सिर्फ 4 से 5 बूंदें ही काफी होती हैं।